कुछ ऐसा करे कि सोमवार को कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। हमारा भिड़े दो दिन में ही निर्दोष साबित होकर सम्मान के साथ वापस घर आ जाए। राइट जनरल, ये साबित हो जाए कि धंधा झूठा है तो भिड़े पक्का छूट जाएगा। मेहता साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, उसकी कुंडली हमें आज के आज निकालनी होगी। अरे भाई, मैं पत्रकार कब काम आऊंगा? धनराज की क्या, उसके पूरे खानदान की कुंडली निकाल कर ले आऊंगा। अब चिंता मत कीजिए, अब जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। भिड़े भाई, आपके दोस्तों ने तय कर लिया है, आपको कोर्ट जाने से पहले ही छुड़ा लेंगे। खम्मागणी, मारो नाम सेठ हीराचंद सोनाचंद चांदी वाला है। धनराज, तूने मारे दोस्त को फंसायो है ना? अब देख मैं कैसे तेरी दुनिया हिलाता हूँ। तू तो गयो बारा के भाव से। अरे भाई सुनो, सेठ धनराज को बोलो सेठ हीराचंद आए। चलो ठीक है। आपको बुलाएं। ओके ओके, हाँ हाँ, भेजवा दूंगा, भेजवा। ओके। खम्मागणी सर, खम्मागणी, खम्मागणी। मारो नाम सेठ हीराचंद सोनाचंद चांदी वाला, मारो विराजनो जोधपुर। बचिर बचिर। ब्याज की कसम के सुपर ऑफिस बनायो है। लेकिन ये आपके विजिटिंग कार्ड में आपका फोन नंबर नहीं है। वाह 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 वाह, के पारखी नजर पायो है, तुरंत पकड़ लियो, विजिट कार्ड में नंबर नहीं है। वाह, असल में आप तो जानो छो सा, जमानो कितनो खराब, मारो विजिट कार्ड कहीं गिर गयो, रास्ते में किसी बदमाश के हाथ में पड़ गयो, तो वो तो मन्ने फोन कर करके परेशान कर देगो। तो मैंने सोचा विजिट कार्ड में नंबर छिपवाने के बदले आपनो नंबर काम के आदमी को खुद लिखवा। वाह, वैसे बहुत अच्छी सोच है आपकी, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। देखो जी, मैं आप जितो बड़ो आदमी नहीं हूँ, मारो छोटो मोटो काम है, बस 20-25 हजार करोड़ का टर्नओवर है। वैसे जोधपुर में मारी गली गली में सोना चांदी की दुकान है। अच्छा। और अब मैंने यहाँ मुंबई में 2-1 dozen सोना चांदी की दुकान खोलनी है। तो 1 dozen मतलब 24-25 दुकान कम है ना, मैं बोलियो ना, मारो छोटो मोटो काम है। मैं इसमें क्या मदद कर सकता? मैंने आपरो बहुत नाम सुनो है, आपकी मदद सही है, आप मन ने सेवा का मौका दो तो आपनी साथे पार्टनरशिप करनी है। पैसो मारो, मेहनत मारी, दिमाग आपनो, दोनों मिलके ब्याज की कसम मुंबई हिला देंगे। ये मोबाइल का अलार्म क्यों नहीं बज रहा है? मारी घंटी बज गई जी। मारो फोन बज रही है, दोस्त को फोन है, आपकी परमिशन हो तो फोन ले लो। नहीं, अरे ले लीजिए, आपका ही ऑफिस है भाई। बड़ो मजा आ गया सभा में। हाँ हाँ, बोल 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 सूरजमल, वो सौदो पटी गयो? हाँ, 150 करोड़ में पटियो के? अरे पार्टी तो करनी है ना। पार्टी तगड़ी है, इसको तो आटे में लेना ही पड़ेगा। पार्टी करने वास्ते तो आया हो जोधपुर से, बस 2 दिन हो के? तू नहीं है 2 दिन? अरे तो मैं पार्टी के करण, नहीं नहीं थारे बिना पार्टी नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम। अच्छा सुन, मैं एक धंधे वाली पार्टी के साथ बैठा हूँ, बाद में फोन करूँ। सूरजमल मारा बचपन रहा दोस्त, पार्टी की बात कह रही हो, अब अकेले पार्टी कैसे करे? तो पार्टी तो कंपनी के साथ बनती है ना। तो आज मैं भी अकेला हूँ, आज मेरे साथ पार्टी कीजिए ABCD बार में। ABCD बार? यही पास में। अच्छा, आप रोज जाते हो? नहीं नहीं, कभी कभी, वैसे आजकल रोज जाता हूँ। क्यों? बीवी मायके गई है। भाभी जी से डरते हो? अरे भाई डरना पड़ता है। मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी अपनी बीवी से बहुत डरूंगा। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ तो अच्छे और सच्चे मर्द को अपनी घरवाड़ी से डरना ही चाहिए। अरे भाई, बीवी से कौन नहीं डरता, जंगल का राजा शेर भी शेरनी से डरता ही है ना। वैसे जिनकी शादी नहीं हुई है उनको पत्नी का डर क्या होता है ये मालूम ही नहीं है। वैसे वो लकी भी है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो लकी होता है? क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि लकी आप जैसे लोग हैं और मेरे जैसे लोग हैं जो शादीशुदा है। वो सब छोड़ो सा,
आप ये बताओ, आप पार्टी हमेशा एबीसीडी बार में ही करते हो? हमेशा एबीसीडी बार। बार फिक्स, टेबल फिक्स, ड्रिंक फिक्स, क्वांटिटी फिक्स, बिल फिक्स और टाइमिंग फिक्स। वाह, बड़े फिक्स टाइप के आदमी हो आप। मारो तो जीवन धन्य थई गयो आज आपको मिलके। तो आज रात हमारे एबीसीडी बार में पार्टी फिक्स, वहां मिलके पार्टी करते हैं और पार्टनरशिप की बात भी करते हैं। नहीं 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 नहीं, पार्टनरशिप की बात तो यही होगी। धंधो अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह। ठीक है भाई, धंधे की बात कल कर लेंगे। आज मेरी बीवी नहीं है तो एबीसीडी बार में पार्टी कर लेते हैं। 10:30-11 बजे बैठेंगे और 12:30 तक पार्टी करेंगे। नहीं सा, आज रहने दो, पहले अपना मिलन हो जाने दो। पार्टनरशिप बाद में रोज पार्टी करेंगे। जैसे आपकी मर्जी भाई, मेरा तो आज का प्रोग्राम फिक्स है। आपको आना है तो आप आ जाइएगा। सोचता हूँ तब मैं चलूं। अरे इतनी जल्दी क्यों जाना है आपको? काम हो गया ना? नहीं नहीं, मैंने एक जरूरी काम याद आ गयो, आज वो निपटा लेता हूँ, कल आके आपको मिलता हूँ। तो मैं चलूं सा? अच्छा। आपनो दिन चोखो जावे। आपका आपको पाउच। हाँ हाँ तो यारो ये पप्पू उतना क्यों नहीं आया? मुझे लगता है आते आते है कोई मरद ब्यूरो दिख गया होगा, उसमें घुस गया होगा। शांति रखो भाई, आ जाएगा, उसने कहा है आ जाएगा जल्दी। अरे उसने खुद फोन करके हमको यहाँ पर जमा होने के लिए कहा है। इसका मतलब 100% धनराज के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा होगा। वैसे मैं तो सब पोपटलाल ने क्या कहा था, कब तक आ रहा है? तो उसने कहा खम्मा गणी, मारा नाम हीरा चंद सोना चंद चांदी वाला है। ओ भाई साहब, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप गलत जगह आ गए। हाँ। आप प्लीज चाहिए। मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, पूछताछ करने आया हूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े के केस पर तहकीकात कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम CID और आप सब शक के दायरे में। जी ना, जी ना, हम सब ने कुछ नहीं किया और पीड़ू ने भी कुछ नहीं किया, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। हाजी हाँ। सही बात है। आप जितनी मर्जी छानबीन कर दो जी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं छोटी, फिर भी उनको छानबीन करनी है तो करना देना। कोई बात, आपके जी हम आपके साथ में। थैंक यू। क्या छानबीन कीजिए, जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों छानबीन करना है? तो क्या आपको इनकी छानबीन करनी है? करो, चलो करो, ये लो, ये लो, करो करो, चलो करो। पप्पू तू पोपटलाल, क्या कमाल का गेटअप लिया भाई, पहचान भी नहीं आया। लेकिन जेठालाल ने पहचान लिया ना। अरे भाई ये कच्ची माड़ू की आंखें है, कभी धोखा नहीं खाती। ओ पप्पू तू भी कमाल करता है यार, तेरे को धनराज के पास सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा था और ये तू फैंसी ड्रेस खेल रहा। अरे भाई उसी के लिए मारवाड़ी सेठ का भेष पहना है। ये भेष पहन के मैं उसके ऑफिस गया था और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। क्या बात, बताता हूँ हुआ यूं। अच्छा मतलब ये धनराज एक नंबर का पियक्कड़ है और बीवी मायके जाती है तो एबीसीडी बार में पीने जाता है। और अभी भी उसकी बीवी मायके से वापस नहीं आई है। मुझे ये एबीसीडी बार तो वही है जहाँ पे पीड़ू ने धनराज की जान बचाई थी। अब ये तो पता चल गया कि ये धनराज शराब पीता है, लेकिन उसने भिड़े को क्यों फंसाया ये पता करना है। मुझे लगता है धनराज को पीने के बाद कुछ याद नहीं रहता होगा। अक्सर पीने के बाद कुछ लोग अपने तन और मन का संतुलन खो बैठते हैं, कुछ लोग आड़ा टेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ज्यादा ही भावुक होकर बातें करने लगते हैं। शायद इसीलिए भिड़े मास्टर ने जब धनराज की जान बचाई तो उसने नशे में खुश होके भिड़े मास्टर को सोना दे दिया होगा और अब उसे कुछ याद नहीं होगा। लेकिन आतिफा 1,35,00,000 का सोना किसी को देने वाली बात कोई कैसे भूल सकता है? नहीं नहीं जैसा भाई, होते हैं ऐसे कुछ लोग, नशा करने के बाद वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे मान गए पोपटलाल, मान गए भाई, जबरदस्त, बहुत बड़ी खबर लेके आए हो। सवाल ये है कि भाई धनराज ने ये बैग नशे में खुद ही भिड़े को दिया था, ये हम उससे कैसे कबूल करवाएंगे? मेरे को तो कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। क्या क्या क्या, क्या? जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारा भिड़े बेकसूर है। क्या, 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 बताता हूँ।
सब लोग बैठिए बैठे बैठे शांति से बैठा मैं सबको बता दूंगा। अभी हम सबको ये तो पता चल गया कल रात को क्या हुआ था। धनराज एबीसीडी बार में शराब पी के बाहर निकला, फिर रिक्शा टैक्सी न मिलने पर चल के थोड़ा सा आगे आया जहाँ पे भिड़ा ने उसके टेम्पो से जान बचाई। तो आज रात को इस पूरे वाक्य को हम फिर से दोहराएंगे। मतलब किस तरह से? समझाता हूँ। आज रात को धनराज एबीसीडी बार में शराब पी के बाहर आएगा तो हम लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि उसको टैक्सी या रिक्शा मिले ही नहीं। तो कल की तरह वो टैक्सी रिक्शा ढूंढते ढूंढते सड़क पे आगे आएगा। ठीक उसी वक्त छोटी अपनी जीप लेके आएगी और हम में से कोई कल जैसे भिड़े ने उसको टेम्पो से बचाया था वैसे उसको छोटी की जीप से बचाएगा। धनराज आज फिर से खुश होके अपनी जान बचाने वाले को कुछ इनाम देगा। तो ये सारा पूरा जो ड्रामा है वो हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे और ये रिकॉर्डिंग कल सुबह जाके चालू जी पांडे जी को दिखा देंगे। रिकॉर्डिंग देख के चालू जी पांडे जी समझ जाएंगे कि भिड़े जो कह रहा था वो सच कह रहा था और धनराज की सारी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन जयडेल तुम इतना इंटेलिजेंट आइडिया सोच सकते हो ये हमारे को मालूम नहीं था। कोई बात नहीं अभी मालूम पड़ गया ना अभी याद रखना। क्या यार भाई हम कच्चे लगे ना हमारे चालाकी का प्रदर्शन नहीं करते, जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करते। डीआईडी कच्ची मानुस जेड़ा ब्राव। वाह जेड़ा ब्राव क्या दिमाग लगाया यार। सही बात है बहुत बढ़िया। अरे चलो चलो भाई जल्दी चलो हम सबको भेस बदलना पड़ेगा ना ताकि धनराज हमें पहचान ना पाए। दूसरा भेस क्यों बदलना है भाई? आती भाई ने बोला ना नशा करने के बाद उसका कुछ याद नहीं रहता है वो थोड़ी हमें पहचानेगा। बात तो ठीक है तुम्हारी लेकिन भाई जान उसने हमको पहचान लिया तो हमारा प्लान स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। हाँ जैसा हम इस मामले में रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल। चलो ठीक ठीक है हम लोग भेष बदल के जाएंगे ठीक है, ओके। लेकिन आज रात को धनराज का पर्दा फास्ट करेंगे। जयलाल मेरे को कुछ नहीं चाहिए मैं इस मिशन के सक्सेस के लिए सबसे ताली मांग रहा है। तो मिशन भिड़े छुड़ाव की तैयारी शुरू। माधवी भाभी तुम्हें फिकर ना करो भिड़े भाई जल्द से जल्द लॉकअप से छूट जाएंगे। हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए माता जी पर पूरा भरोसा रखिए सच हमारे साथ है। झूठ का मुंह तो काला होगा ही होना ही चाहिए। जब से सोना मिला है ना तब से इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसे हम रख लेते। इतने सच्चे हैं ये इतने सच्चे हैं। डोंट वरी माधवी भाभी सच्चाई की ही जीत होगी डोंट वरी। हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि धनराज झूठा इंसान है ये बात साबित होके रहेगी। आज रात को हमारे पति देव धनराज भाई के खिलाफ कुछ न कुछ सबूत तो ढूंढ ही निकालेंगे। हाँ और धनराज भाई का झूठ सामने आ ही जाएगा। ईश्वरा हसन सूदित हेलो। हां आगे सब लोग यस एकदम ऑल रेडी यस रेडी रेडी एक मिनट। हां रेडी वेरी गुड। दोस्तों एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा ये प्लान पूरी तरह से कामयाब होना चाहिए इसलिए हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मेहता साहब कोई गड़बड़ नहीं होगी और अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो उस धनराज को मैं पटक पटक के चुगलवा लूंगा। अरे नहीं सर उस धनराज की तो आज दुनिया हिला देंगे। अरे पोपटलाल छोटी ये वक्त ऐसे गुस्सा करने का नहीं है भाई दिमाग से काम निकलने का है जरा शांति रखो प्लीज। सही बात ऐसा समझिए कि आज आप सबकी बहुत बड़ी परीक्षा है और उसमें सफल होना ही है और हमें पूरा यकीन है कि आपका ये प्लान सक्सेसफुल होगा। थैंक यू बबीता जी।
रोशन तू प्लीज दिमाग शांत रख जे हाँ और फिकर मत कर सोनिए मगर शांत भी रखूंगा और हम लोग सक्सेसफुल होके भी आएंगे ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी अरे जेठे तुम सब लोग अभी तक यही खड़े हो अरे जाओ जल्दी जाओ मैंने बस बस जा ही रहे बाबूजी वो धनराज दारूड़िया वहाँ से निकल जाएगा तो सबूत नहीं मिलेगा जल्दी जाओ नहीं नहीं बस निकल रहे छोटी मैं गड्डी लेके आता हूँ नहीं नहीं भाई गड्डी को वहीं रहने दे हम लोग वहाँ जाते हैं वरना टाइम बिगड़ेगा ना बोले सोने हो भगवान टप्पू के पापा की योजना को सफल कर देना भीड़े भाई निर्दोष है ये साबित करने के लिए जो सबूत चाहिए वो जल्दी से मिल जाए ओ ओ हाँ जी जी बापूजी क्या हुआ क्या सोच रही है टप्पू के पापा ने जो योजना बनाई है वो सफल होगी ना ओ, जिनके साथ सच होता है उनके साथ भगवान होता है जेठिया की योजना जरूर सफल होगी ए चंपक अरे अरे बढ़िया तू कैसी हो देवी डी मजे में परे सका आप कैसे हो मजे में अरे वाह वैसा कर इतने दिनों बाद देखा तुझे और बता तू इस वक्त यहाँ सब ठीक है ना हाँ सब ठीक है लीजिए पानी पानी पे आज यहाँ कैसे आना हुआ मैं तुम सबको न्योता देने आया हूँ न्योता देने हाँ सुबह से निकला था अब ये आखिरी का तेरा है महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमने चोरवाड़ में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है अरे हाँ हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग बन रहा है ना चोरवाड़ में 25 लाख रुद्राक्ष का महाशिवलिंग तैयार हो रहा है 29 फरवरी से 8 मार्च तक ये यज्ञ चलेगा शिव कथा और महारुद्री भी होगी अरे वाह बापूजी तो बहुत बड़ा यज्ञ होगा हाँ और इस काम के लिए श्री राजेश भाई चुड़ासमा जी को तुझे और तेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं खाली शुभेच्छा से नहीं चलेगा तुझे भी परिवार समेत वहाँ आना है मैं पूरी कोशिश करूंगा नहीं नहीं कोशिश नहीं तुझे आना ही होगा और जेठिया दया बेटी और टपुड़ा को भी साथ में लाना होगा देख भाई मुझे आने की इच्छा तो बहुत है लेकिन अभी क्या है थोड़ा टेंशन चल रहा है अगर सब ठीक हो गया तो हम सब लोग जरूर आएंगे क्या टेंशन हो गया दुकान में कोई तकलीफ नहीं घर में सबकी तबीयत तो ठीक है ना अरे सबकी तबीयत ठीक है तो किसी से कोई झगड़ा हुआ अरे नहीं भाई नहीं किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है दरअसल बात यह है कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा टेंशन चल रहा है सोसाइटी में हाँ तो हुआ यूं कि ओहो ये तो बहुत बड़ी टेंशन की बात है अरे लेकिन तू ये सब टेंशन छोड़ तू ये बता तैयारी कैसी चल रही है एकदम जबरदस्त और हाँ चंपक अगर ये टेंशन दूर हो जाए ना तो तुम लोगों को जरूर आना है और अपने साथ गोकुलधाम सोसाइटी वालों को भी लाना हाँ जरूर जरूर लेकिन परेश अगर हम सब लोग नहीं आ पाए तो तू हम सबकी तरफ से प्रार्थना जरूर करना है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पे जो इतना बड़ा संकट आया है वो महादेव जी की कृपा से जल्दी से दूर हो जाए हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये भी कोई कहने की बात है भोलेनाथ सबका बेड़ा पार लगाएंगे अभी मैं चलता हूँ अरे इतनी जल्दी अरे भाई अभी अभी तो आया है तू हाँ पर इसका काम बैठे ना मैं अभी आपके लिए फटाफट खाना बना देती हूँ हाँ नहीं नहीं दया बेटी अभी मैं चलता हूँ फिर कभी शांति से आऊंगा पर हाँ तुम लोग तारीख याद रखना 29 फरवरी से 8 मार्च तक यज्ञ और पूरा कार्यक्रम चलेगा हाँ अब मैं चलता हूँ हाँ आओ तो रहने भाई हाँ चलो आओ जो दया बेटी आओ जो जेठिया ने याद आपको बापूजी मैं थोड़ी देर भीड़े बहन के पास जाकर आऊँ हाँ माधवी बेटी बहुत परेशान होगी उसे अभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जा बहू जा मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ माधवी बेटी को हिम्मत देना और उसे कहना कि चिंता ना करे आज धनराज के झूठ का पर्दा खुलकर रहेगा जेठिया की योजना जरूर सफल होगी
तो मित्रों धनराज के खिलाफ जंग का बिगुल बच चुका है। जो नाटक हम खेलने जा रहे हैं उस नाटक की तैयारी हो चुकी है और नाटक का मंचन करने के लिए हम गोकुलधाम निवासी तैयार हैं। नाटक की पटकथा लिखी जा चुकी है, नाटक के मुख्य अभिनेता जेठालाल भी पूरी तरह से तैयार हैं और अब इस नाटक का सफल होना बड़ा आवश्यक है कि इस नाटक के मंचन के लिए हम निकल चुके हैं। अगर नाटक सफल होगा तभी एक नायक यानी कि भिड़े बचेंगे और एक खलनायक यानी कि धनराज का असली चेहरा सामने आएगा। इस नाटक में बहुत सारा टेंशन, लेकिन अटेंशन, क्योंकि सोमवार को आपके घरों में हंसी का स्टेशन होगा जब आप देखेंगे ये नाटक, उस नाटक में जिसे आप रोज देखते हैं जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही, आ रही, आपकी आवाज आ रही है। यस, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से निकल गया है, तैयार है ना आप लोग? यस। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।